ऑटो वाला ये एक बैंड रिलीज की गई है जिसको दीपक ने लिखा हुआ है। वैसे प्यार से लोग टिंकू कहते हैं उसको। ये जिसने लिखा है, जिसने ये गाया है और जितना इनको सबने सहयोग किया है, तो जो इनके गुरु हैं, तो मुझे याद है कि ये मेरा इनसे बड़ा ये बाले काल में था, तब इस परिवार से आना जाना था। तो देखते ही देखते आज मैं सिर्फ दीपक की बात नहीं करूँ, जम्मू कश्मीर के हमारे विशेषकर जम्मू के कलाकार हमारे देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और कोई ना कोई, चाहे बेंटू की बात करूँ, चाहे गीतों की बात करूँ, चाहे साउंड्स की बात करूँ, पोलिटिक सॉन्ग हो या दूसरे गाने हो या कल्चर एक्टिविटी हो, अलग अलग नाटक हो। और मैंने इनकी एक शाम से वो देखी हुई है नाइट, किशोर नाइट भी देखी हुई है। क्या कलाकारी, क्या सॉन्ग है। तो इस तरह बहुत से कलाकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मैं बात करूँगा अपना, हमारा पहले हम इकट्ठे ही थे, तो यूटी की बात करूँ, दोनों यूटी के अंदर एक से एक बढ़कर आज इनको स्कोप मिला है। लेकिन जिन लोगों ने 50 साल 60 साल पहले यहाँ मेहनत की जम्मू के लिए, तब कोई स्कोप नहीं था, तब कोई सोर्स नहीं था, तब कोई सहारा नहीं था। मैंने देखे हुए हैं अपने साथी, अगर मैं आज 60+ में सीनियर सिटीजन होकर जा रहा हूँ, तो मैं अपने साथी जो उस वक्त इस लाइन में थे, किस तरह उनके क्या हालत उनकी होती थी। मैं ये वर्ड बोलते मुझे शर्म नहीं आ रही कि फटे हाल होते थे, कैसे वो घर चलाते थे, कैसे गुजारा। मैं कई बार पूछता था उनको, लेकिन आज हमारे जब से प्रधानमंत्री जी 7 साल हमारे देश में राज कर रहे हैं, और उनका विज़न है 13 साल पहले उन्होंने गुजरात में किया है, तो उनको पता है कि जम्मू कश्मीर उनके कितना उनका यहाँ फोकस है। आज हम लोगों ने एक बैंड रिलीज़ की है, डोगरी गल करने आं, असें बैंड रिलीज़ की है डोगरी बैंड आटो वाला भगत मैं बावे आह्ली दा। बड़ी शैल बैंड है, तुसें जरूर दिखियो अपने यूट्यूब पर जाइए। इसी लिखे दा प्यासा अंजुम होने और म्यूजिक कीते दा दरबारी लाल और रोहित होने, वीडियो कीते दा राहुल दत्ता होने, और मेरे गुरु श्री राकेश आनंद जी आशीर्वाद कन्नै बैंड अस रिलीज़ करा रहे हैं। खासकर मेयर साहब का, संध्या मैम और तरुण जी का मैं बड़ा आभारी हाँ, जिन्हें अपना कीमती समय कड़ी इतने आज आए हैं मेरे पर आशीर्वाद माँ काली का। ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, हर कंट्री